जी बिल्कुल, ये रात को एक बहुत ही बेहतर तरीके से ये अमल जो है वो मुकम्मल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी इस बात पर मुत्तफिक हुए और ये एक बहुत ही अहसन तरीके से ये मामला सर अंजाम पाया और आजम खान को निगरान वजीर आला जो है वो आज वो हलफ भी उठाएंगे। 12 बजे गवर्नर हाउस में ये तकरीब होगी। अगर आजम खान के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 410 से बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक है। बहुत ही जबरदस्त किस्म के बैरोक्रेट रह चुके हैं ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से, इसके अलावा कई औरों को भी रहे हैं। और अगर मैं 2018 के निगरान सेटअप की बात करूं तो वो पांच में मेरे ख्याल में ये भी एक वजारत पर रहे हैं, वजारत दाखिला पर शामिल रहे हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ वजारतें जो है मुख्तलिफ औकात में इनके पास रही हैं और इनका एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है और जबरदस्त किस्म के सुलझे हुए बैरोक्रेट्स जो है वो समझे जाते हैं। इसी वजह से कल जब ये इत्तफाक हुआ, अगर छोटे नहीं तो ये JUI के थे लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर कंसेंसस किया और परवेज खटक साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को और अकरम दुरानी को बिठाया और जो पिछले कुछ दिनों से उनके दरमियान एक लफ्जी गोलाबारी चल रही थी उसको खत्म किया और दोनों ने बड़े अहसन तरीके से आजम खान के नाम पर इत्तफाक किया और आज 12 बजे तकरीबन गवर्नर हाउस में आजम खान निगरान वजीर आला का हलफ भी उठा लेंगे। ठीक है, आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला तैनात हो चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने तैनाती का ऐलान जारी कर दिया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका।